ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में। बेसिकली इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8। नाउ क्लास चैप्टर नंबर 8 डील करता है ह्यूमन इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन से, ठीक है। दैट इंसान जो है अपनी प्रकृति के साथ कैसे इंट्रैक्ट करता है, उसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और इस क्लास में बेसिकली दो रीजन्स है जिसको फोकस किया गया है, एक है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, द ट्रॉपिकल रीजन में है ना इंसान का रहन सहन कैसा, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है। अगेन स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्टिंग में जैसे कि वो बोला बच्चा वाला जो ये क्लास 7 का है, तो ऑफकोर्स बच्चे वाले पर्सपेक्टिव से कुछ कुछ स्टोरीज दिया हुआ है विच इज़ नॉट ऑफ दैट आवर इम्पॉर्टेंस, राइट। बट द थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज द लाइफ विच इज़ बिंग इनहैबिटेड बाय द पीपल इन अमेजॉन बेसन, ठीक है। सो पहले तो दोस्तों अमेजॉन बेसिन का मैं आपको मैप दिखा देना चाहता हूँ, दैट अमेजॉन बेसिन है किधर, ये देखो। ये जो है ना साउथ अमेरिका का पिक्चर है, क्लियर है ना, है ना। तो ये साउथ अमेरिका का ये वाला पार्ट देख रहे हो, है ना, जहाँ पर यू नो अमेजॉन रिवर बहता है, उनके डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है। तो ये पूरा जो है अमेजॉन बेसिन बनाता है ना। और ये रीजन जो है देखो, ये 0 डिग्री है क्या, नहीं मतलब इक्वेटर जो यहां से गुजर रहा है, मतलब ये रीजन में रेन फॉरेस्ट भी होगा, क्लियर है। तो वही चीज जो है हम लोग इसमें भी चर्चा करेंगे। तो ये बिल्कुल ट्रॉपिकल रीजन है, हमें दिख रहा है ना, और इक्वेटर इसके बीच से ही गुजर रहा है। नाउ द रिवर अमेजॉन फ्लोज थ्रू दिस रीजन, जी हाँ। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीचेस अटलांटिक ओशन, जी हाँ। देखिए यहाँ पर डिफरेंट माउंटेन्स है, यहाँ से ये निकलती है डिफरेंट धारा है ना, और ये अल्टीमेटली जो है मेन जो रिवर है अमेजॉन, इससे मिल जाकर अल्टीमेटली ड्रेन आउट कहाँ पर हो रही है, ये अटलांटिक ओशन में ड्रेन आउट हो रही है, ठीक है। अच्छा, जिस प्लेस में रिवर जो है ना आपका जाके ओशन में गिरता है, उस प्लेस को हम लोग रिवर माउथ कहते हैं, ये पता है ना, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। ये देखो ये अमेजॉन रिवर यहां से बहकर यहां पर गई, तो इस वाले पोर्शन को जो है ना हम लोग यहां पर इसको रिवर माउथ कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन से ही जो है वाटर आपका जाके ओशंस में मिल रहा है। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राजील, और सिर्फ मेन तो ब्राजील में है ये ज्यादा, ठीक है, बट डिफरेंट अदर जो देश है ना वहां से भी इसके डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज जुड़े हुए हैं। जैसे देखो ये देखो पेरू, ये कंट्री है ना यहाँ से, ये कंट्री पेरू, अब पेरू में भी इसके जो ब्रांचेस है क्या, नहीं देखो यहाँ पे कोलंबिया में ब्रांचेस है, वेनेजुएला में टच हो रहा है, यहाँ पे नीचे देखो बोलीविया से गुजर रहा है क्या, नहीं। तो ये सारे कंट्रीज में जो है ना अमेजॉन रिवर का बेसिन जो है फैला हुआ है, ठीक है। तो कल को अगर आपको क्वेश्चन पूछे दैट भैया अमेजॉन बेसिन जो है सिर्फ ब्राजील में ही है, सो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे इसके ट्रिब्यूटरीज है जो क्या मेन रिवर्स को जोड़ते हैं, और वो ट्रिब्यूटरीज जो है डिफरेंट अदर रीजन से बहते हैं, जैसे पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, जब भी मैं ट्रिब्यूटरीज बोल रहा हूँ ना, ट्रिब्यूटरीज मतलब देखो ये मेन रिवर हुआ, और ये जो है ना ये रिवर्स ये उसके ट्रिब्यूटरीज है, जैसे गंगा, गंगा मेन रिवर हुआ है ना, कोसी उसका ट्रिब्यूटरी हुआ, सोन उसका ट्रिब्यूटरी हुआ, यमुना गंगा का ट्रिब्यूटरी हुआ, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, ये सब स्मॉल रिवर्स है जो कि मेन रिवर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और ये ट्रिब्यूटरीज जो है पूरा मिलाकर, मेन रिवर को मिलाकर जो है पूरा ओशन बेसिन बनाते हैं। इस ओशन बेसिन को हम लोग कौन ओशन बेसिन बोलेंगे, अमेजॉन ओशन बेसिन। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस रीजन के क्लाइमेट के बारे में चर्चा करते हैं। भैया क्लाइमेट के बारे में कुछ चर्चा करना है क्या, चलो कर ही देते हैं। अमेजॉन बेसिन इक्वेटर में लाई करता है, हमने क्लियरली यहां से देख लिया, ये देखो इक्वेटर, इक्वेटर से ना गुजर रहा है भाई, देखो इक्वेटर से गुजर रहा है, बिल्कुल इक्वेटर बीचों बीच इससे गुजर रहा है ना। एंड इसलिए कॉमन सब बात है दैट यहाँ पर हॉट क्लाइमेट तो होगा ही, बट यह काफी ज्यादा वेट क्लाइमेट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, सालों साल बारिश होती रहती है, डे एज वेल एज नाइट, दोनों दिन भी रात भी ऑलमोस्ट हॉट और ह्यूमिड ही रहता है। इसलिए ये यू नो इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है दैट इंसान के रहने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका शरीर पूरा पसीना पसीना सब समय रहता है, एंड इट यू नो रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग, मतलब ऐसा नहीं जैसे नॉर्मल रेन्स क्या होता है ना,
आपको एटलीस्ट एक संभावना रहती है। डिफरेंट कंट्रीज के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स अनाउंस कर देते हैं दैट भैया इस रीजन में रेन होने वाला है, उस रीजन में नहीं। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, कभी भी रेन हो जाता है ना। और इसीलिए वहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलते हैं ना उसको हम लोग एवर ग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। क्यों भैया? क्योंकि सब समय रेन होती है, कोई भी ड्राई सीजन यहाँ पर नहीं है। तो इसकी पत्तियाँ जो है ना, फॉरेस्ट की पत्तियाँ हर साल धीरे धीरे गिरते रहती है। मतलब ऐसा नहीं है दैट कोई स्पेसिफिक समय पत्तियाँ गिर जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। इसलिए इन फॉरेस्ट को जो है हम लोग एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ का जब हम लोग क्लाइमेट के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने जैसे देखा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड रीजन है और डे टेम्परेचर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। एट नाइट टेम्परेचर जो है वो रिस्पेक्टिवली दिन से तो कम हो जाता है बट ह्यूमिडिटी जो है रात को भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप सोचो इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है ना, बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है इंसान का रहना यहाँ पर। इसलिए इस एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर भी आपको ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलेगा, बहुत स्पार्स पॉपुलेशन। बट जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन्स में आते रहोगे तो यूजली ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है बट इक्वेटर में रिस्पेक्टिवली कम होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर जो फॉरेस्ट क्वालिटीज दैट इज रेन फॉरेस्ट फॉरेस्ट के बारे में। क्योंकि क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया दैट रेन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी होती है तो इसलिए फॉरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा घने घने फॉरेस्ट मिलते हैं हमें। ठीक है, इनफैक्ट इतने ज़्यादा घने फॉरेस्ट रहते हैं दैट इनका जो है ना, आप ऊपर से सैटेलाइट से जो देखोगे आपको उनका जमीन दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल ऊपर में लीव्स और लीव्स ही दिखेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो फॉरेस्ट है ना डिफरेंट कैनोपीज अलग अलग लेवल में बनाते हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। किस लिए भैया? सनरेज के लिए। ठीक है, तो इसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं। एक बहुत ऊपर वाला कैनोपी का लेयर होता है ना, एक हर्ब्स होता है, एक श्रब्स होता है और एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या एकदम जमीन से लगे हुए रहते हैं। द ग्राउंड रिमेन डार्क एंड डैम्प, बहुत ही ज़्यादा डार्क रहता है और काफ़ी ज़्यादा डैम्प भी होता है, बहुत ज़्यादा लिटर्स जमा हो जाते हैं। Only shade tolerant vegetation can grow in this area. जैसे orchids ले लो, bromeliads ले लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा parasitic plant भी इस region पर हमें मिलते हैं। The rainforest is rich in fauna. अच्छा, अब rainforest जो है ना दोस्तों वो faunal species भी बहुत ज़्यादा contain करता है। In fact कहा जाता है that दुनिया का जो 80% faunal species है ना वो इन rainforest के भीतर ही रहते हैं। फॉनल मतलब ये जो आपका पेड़ सॉरी पक्षी है ना, उसके बाद जानवर है ना, तो बहुत सारे स्पीशीज जो है इन घने घने जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है घने जंगलों में अपना सब कुछ, शिकार, खाना, रहना, शेल्टर सब कुछ मिल जाता है। बर्ड्स जैसे टुकन बर्ड, ये जो देख रहे हो ना ये बर्ड टुकन, उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जैसे हमिंग बर्ड्स है ना, तो ये सब जो है आपको क्लियरली इन रीजन्स में मिल जाएंगे। ठीक है, ये बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड क्रिएट करते हैं। एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जैसे मंकीज, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग टैपिर्स है ना, ये सब भी आपको इस रीजन में मिल जाएंगे। ये देखो, ये टैपिर का पिक्चर है। ठीक है, तो ये सब जो है घने घने जंगलों में मिल जाते हैं। वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो थ्राइविंग इन दीज काइंड ऑफ जंगल्स। बहुत ज़्यादा स्नेक्स और रेप्टाइल्स का जो प्रजाति है ना वो भी आपको इन घने घने जंगलों में मिल जाएंगे। क्रोकोडाइल्स ले लो, स्नेक्स ले लो, पाइथन बहुत ज़्यादा, एनाकोंडा काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, मूवीज भी काफ़ी ज़्यादा आ गई है इसके ऊपर। ठीक है, बड़े बड़े सांप होते हैं, तो ये सब भी जो है यहीं पर आपको मिल जाएंगे। बिसाइड्स द बेसन इज होम फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एज वेल। जी हाँ, मैंने बोला ना डिफरेंट प्रजाति, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लो, इंसेक्ट्स ले लो, फॉनल बड़े बड़े स्पीशीज ले लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलता है। इनफैक्ट जितना भी फॉनल स्पीशीज है ना दुनिया का, जैसा कि मैंने पहले ही बोला 80% ऑफ फॉनल स्पीशीज जो है वो हमें रेन फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। सेवरल स्पीशीज ऑफ फिशेज इंक्लूडिंग द फ्लैश ईटिंग पिराना फिशेज इज ऑल्सो फाउंड इन दीज काइंड ऑफ रिवर्स। पिराना पता है? पिराना मूवी किसी ने देखा है? उसमें क्या होता है ना दैट एक ऐसी मछली होती है जो इंसान के फ्लैश को भी खा जाती है। ठीक है, इसलिए जहाँ पर पिराना रहती है वहाँ पर लोग तैरते यूजली नहीं है। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच इन वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म। जी हाँ, वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो है आपको पेड़ पौधे को लेकर, फ्लोरा स्पीशीज तो रहती है बट फॉनल स्पीशीज भी बहुत ही ज्यादा मिलता है। ठीक है, सो पीपल ऑन द रेन फॉरेस्ट। नाउ अगर लोगों की चर्चा करें जो कि इस टाइप के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, तो वो अपनी फूड कहाँ से जुगाड़ करते हैं? ऑफकोर्स फॉरेस्ट को काट कर अपना फसल उगाते हैं वो। ठीक है, इसीलिए जो दुनिया में रेन फॉरेस्ट मतलब सॉरी डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है ना, वो मेजरली जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, सो वाइल्ड मैन
मेन पुरुष जो होते हैं ना वो लोग हंट करते हैं, एंड फिशेस मतलब यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ जानवर और फिशेस हंट करते हैं, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स, है ना. मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है उसमें वुमेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है. ज्यादातर वुमेन्स जो है एग्रीकल्चर में संलिप्त रहती है, वहीं पर उनके जो मेल काउंटर पार्ट होते हैं वो लोग जाते हैं शिकार करने, खाना खाना बना लेने के लिए. ठीक है. दे मेनली ग्रो टेपोयका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो. एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाई फीडिंग देम वेजिटेबल्स दे ग्रो. जी हाँ, हंटिंग और फिशिंग ऐसा सर्टेन तो नहीं है ना. कभी यार शिकार करने गए, मिला तो मिल जाएगा, खत्म बात. और नहीं मिला तो नहीं मिला. बट हाँ, क्या सस्टेन है, ये वेजिटेबल्स उगाना, है ना. ये एक जगह उगी हुई है तो उसको आराम से आप तोड़ के खा सकते हो. ठीक है. सो ज्यादातर जो है ना लोग वहां पर आपका जाके फार्मिंग एक्टिविटीज ही करते हैं. दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रीजन्स में हमें ये स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर देखने को मिलता है. बताइए तो इंडिया में स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर कहाँ पर मेजरली मिलता है देखने को, ये है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ठीक है. नाउ इस रीजन में जो है ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्टेपल फूड कौन से है बताइए तो, मेनोएक. ठीक है, जिसको हम लोग कसावा भी कहते हैं. एंड दे ग्रो अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो, राइट. दे ऑल्सो ईट क्वीन एंट्स. जी हाँ, चीटियां, चीटियों को भी खाया जाता है. आप सोचिएगा यार चीटी कौन खाता है, बट जी हाँ चींटियों को भी खाया जाता है. इनफैक्ट इंडिया में भी, तो इंडिया में भी आप सुंदरबन एरिया में चले जाओगे ना तो बहुत सारे वहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं जो कि चींटियों को डायरेक्टली खाते हैं. ठीक है. बहुत सारा कैश क्रॉप भी वहां पे उगाया जाता है, जैसे कॉफी, कोकोआ, मेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रेन फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारा वुड का रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, और इसके वुडन रिसोर्सेज के थ्रू जो है लोग अपना घर भी बनाते हैं. ठीक है. बहुत सारे फैमिलीज जो कि इस रीजन में रहते हैं वो थेस्ड हाउस में रहते हैं, है ना. एंड दीज आर देर आर अदर लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस कॉल्ड मलोका, है ना. ये ऑफकोर्स इतना ज़्यादा डीपली आपको दिमाग उतना याद नहीं करना है, बट हाँ कभी अगर यूपीएससी को बहुत ज़्यादा चढ़ गया शायद वो पूछ ले दैट भैया बताओ मलोका एक हाउस, आई मीन हाउस का फीचर है ये, यूजली किस रीजन में देखने को मिलता है. ठीक है, क्योंकि आपको तो पता नहीं है. आप ऐसा भी सोच सकते हो तो पोलर रीजन में शायद होगा. ठीक है. तो पोलर रीजन में हम लोग ज़्यादा इग्नू सुनते हैं, है ना, वही सब ना सुनते हैं. तो मलोका जो है ये रेन फॉरेस्ट में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है. लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग. धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है. पहले जो लाइफ होती थी वो लाइफ अभी नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि अभी बहुत कुछ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, ले लो, है ना, टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है. इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल. मतलब 1970s में जो है ना ट्रांस अमेजन हाईवे कंस्ट्रक्शन किया गया था, जिसके थ्रू जो है पहले तो इससे पहले रेन फॉरेस्ट का हर एक पार्ट एक्सेसिबल भी नहीं था, बट इसको बनने के बाद जो है हर एक पार्ट जो है एक्सेसिबल होने लगा. एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस इन यू नो जंगल्स. द इंडिजिनस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स टू सेटल इन न्यू एरियाज वेयर दे कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर डिस्टिंक्टिव वे ऑफ फार्मिंग. बहुत सारे इंडिजिनस पॉपुलेशन थे जो कि वहां पे रहते थे, तो उससे क्या होता था ना दैट वहां पर एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, समझ रहे बात. तो इसीलिए उनको शिफ्ट करके अलग जगह में रखा गया और यू नो इंश्योर किया जाता है दैट वो भी फार्मिंग कर सके. द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन दैट रीजन. जी हाँ, इतना ज्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होता है ना वहां पर, जिससे कि लोग वहां पे फॉरेस्ट काट रहे हैं. ठीक है, धीरे धीरे फॉरेस्ट काट रहे हैं और एग्रीकल्चर सेटअप कर रहे हैं. ठीक है, तो इससे नेगेटिवली इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, हमारे बायोलॉजिकली डाइवर्स यू नो इकोसिस्टम के ऊपर जो कि वहां पर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वहां की वहां पर हैबिटेट जो है डिस्ट्रक्शन हो रही है. इट इज एस्टिमेटेड दैट लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैव बीन डिसअपीयरिंग एनुअली. जी हाँ, ये एस्टिमेट किया जाता है दैट बहुत लार्ज एरिया जो है ना रेन फॉरेस्ट का वो एनुअली डिसअपीयर धीरे धीरे हो रहा है. यू कैन सी दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज मच वाइडर इम्प्लीकेशन इन दिस फिगर. देखो ये, देखो ये, देखो ग्रेजुअल, ये सोचो एक पिक्चर, बहुत अच्छा खूबसूरत पिक्चर है. ये एक पिक्चर था, ठीक है, इसको यहाँ पर डिस्ट्रक्ट कर दिया, इतने सारे पेड़ पौधों को काट दिया, ये पूरा पेड़ पौधों को काट कर जो है यहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है. तो इससे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ठीक है आपका फसल तो उग रहा है बट अल्टीमेटली ये जो बायोडाइवर्सिटी एरिया है उस हैबिटेट को तो आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे ट्रॉपिकल रीजन में. अब हम देखते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ना, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में ही लाई करता है भैया. ठीक है,
क्योंकि देखो हमारे इंडिया में भी अगर देख लोगे ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पोर्शन है ना, उसको हम लोग प्रिडोमिनेटली ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन हम बोलते हैं, ठीक है। ओके अब तो हम लोग देखते हैं दैट लाइफ इन सब ट्रॉपिकल रीजन, दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लाइफ कैसा है। तो ट्रिब्यूटरीज अगर देखोगे गंगा और ब्रह्मपुत्र का, तो वो टुगेदर मिलाकर, लेकिन मतलब सब कुछ, गंगा मेन रिवर भी है ना आपका जाके ब्रह्मपुत्र मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी, सब कुछ मिलाकर जो है ना गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाता है, ठीक है। और ये बेसिन जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में जैसे लाई करता है, जैसे कि मैंने बोला है ना, विच इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। नाउ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा, जैसे घाघरा ले लो, सोन ले लो, चंबल ले लो, गंडक, कोसी, ये सब कौन किसके ट्रिब्यूटरीज है, गंगा के ही ना ट्रिब्यूटरीज है भैया। वैसे ही ब्रह्मपुत्र के भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली जो है ड्रेन आउट कहां पर होते हैं आपका जाके, यहां पर बे ऑफ बंगाल, दैट इज बंगाल की खाड़ी में ये सब ड्रेन आउट होते हैं, ठीक है। द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। देखो यहां पे जो है ना, ये देखो हिमालयाज, यहां पर प्लेन, ठीक है, बहुत सारे फुट हिल्स भी है यहां पर इस रीजन में, है ना, सॉरी कहां का, हिमालयन रीजन का, ठीक है, सुंदरबन रीजन जो कि ये इंडिया और बांग्लादेश में मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इस रीजन का एक डिस्टिंक्टिव फीचर बनाते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको ऑक्सबो लेक्स भी मिलेंगे। ऑक्सबो लेक्स क्या होता है, अब देखो क्या होता है ना, दैट रिवर जब अपने मैच्योर स्टेज में पहुंच जाती है तो वो मैंडरिंग करना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब मैंडरिंग्स, कुछ कुछ मैंडर्स जो है टूट जाते हैं, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक। ये मैंने क्लास 6 के चैप्टर में अच्छे से पढ़ा दिया था आपको, है ना। आप अगर नहीं देखे हो तो नीचे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है भैया, जितने एनसीईआरटीज का मैं लेसन बना रहा हूँ ना, सबका लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल देख लेना, वो देखोगे बहुत फायदे में रहोगे, है ना। ओके, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट एंड द मॉनसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। ये जो मॉनसून जो है ना, मतलब हमारा एरिया जो इंडिया एरिया है एज सच अगर, तो वो डोमिनेट किस रीजन से किया हुआ है, मॉनसून रीजन से, ठीक है। और मॉनसून के कारण जो है स्पेशली गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के रीजन में रेन आता है, कब के समय में, जून से लेकर सेप्टेम्बर के तक जो है आपका रेन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेंटी रेन्स होता है। समर्स काफी ज्यादा हॉट होता है और विंटर्स यहाँ पे काफी ज्यादा कूल होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, सब कुछ देख लो, ये पूरा जो ये ग्रीन वाला एरिया देख रहे हो, लाइट ग्रीन, ये पूरा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में हम काउंट करता है, जो कि बांग्लादेश का भी जो ये रीजन आता है ना, ये भी इसके अंडर ही काउंट कर लेते हैं अपन, ठीक है। ओके, द बेसिन एरिया हैज वैरिड टोपोग्राफी, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, यहाँ पर आपको टोपोग्राफी बहुत विभिन्न किस्म की टोपोग्राफी मिलेंगी और यहाँ की जो इन्वायरमेंट है ना, एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करती है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन में ऑफकोर्स स्लोप जो है काफी ज्यादा स्टीप होता है, इसलिए वहाँ की टेरेन काफी ज्यादा इनहॉस्पिटेबल होती है। ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पर मिलेगा आपको, प्लेन एरिया में ना मिलता है भैया, ठीक है। तो माउंटेन एरिया में रिस्पेक्टिवली कम पॉपुलेशन मिलता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा भी हुआ है दैट लेस नंबर ऑफ पीपल जो है दैट लिव इन माउंटेनियस एरिया, है ना। द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स अ मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, इसलिए ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो देख लोगे ना, प्लेन एरिया में सबसे ज्यादा हैबिटेशन जो है यू नो पर यूनिट एरिया में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। द सॉइल इज वेरी फर्टाइल, जी हाँ, सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल है, इसलिए यहाँ के लोग जो है एग्रीकल्चर भी काफी ज्यादा करते हैं। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई है। द मेन क्रॉप जो है इस रीजन में वो है पैडी, ठीक है, पैडी यहाँ पे उगाया जाता है। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर, इट इज ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी हाई, जी हाँ। पैडी भी ऐसा नहीं है दैट सब जगह, इसमें भी जो है ना इंडिया गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर रेनफॉल डेफिशियंट है, ठीक है। तो वहाँ पे सोचो अगर आप धान की खेती करोगे तो फिर दैट इज नॉट सूटेबल ना, तो हर जगह धान की खेती नहीं होती, हाँ, बट बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी सरकार ने कनाल्स बनाए हुए हैं, या फिर उस रीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, या फिर वो रीजन जो है कोई भी यू नो छोटे मोटे नदियों से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जो है पैडी की भी खेती भी होती है।
उसमें वीट, मेज, शोरगुम, ग्राम, मिलेट्स जो है डिफरेंट क्रॉप्स उगाए जाते हैं, कैश क्रॉप्स जैसे शुगर केन, जूट भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। बनाना प्लांटेशन जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कॉमन है। वेस्ट बंगाल और आसाम में जो है ना टी प्लांटेशन भी काफी ज्यादा कॉमन है। ब्रिटिशर्स आने के बाद जो है ना टी प्लांटेशन को भी उन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया था, जो कि अभी भी काफी ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग टी है ना, उसको GI टैग सबसे पहले हमारे देश में उसी टी को ही मिला था। ठीक है। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम। बिहार और आसाम के पार्ट्स में जो है सिल्क भी प्रोड्यूस किया जाता है, किसके थ्रू? सिल्क वॉर्म के थ्रू। ठीक है। तो इसको सेरिकल्चर भी कहा जाता है। ठीक है। इन द माउंटेन एंड हिल्स वेर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन, कैसे भैया? टेरेस फार्मिंग बना के। जैसे आप कभी अगर कोई पहाड़ों में चले होगे तो आप देखोगे, अरे साला पहाड़ में सीढ़ी बना हुआ है भाई, है ना? तो आप सोचो कि ये सीढ़ी क्या है भाई। अब सीढ़ी नहीं होता वो, बेसिकली उसका टेरेस कहते हैं। हाँ, और उसमें जो है खेती बाड़ी की जाती है। ठीक है। इसलिए वैसे टेरेस बनाया जाता है जिससे पानी जो है ना वो गड़गड़ा के नीचे ना चले जाए, समझ रहे हो? पास पानी एक जगह है, तो इसलिए माउंटेनियस रीजन में जो है टेरेस फार्मिंग कल्टिवेट किया जाता है। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैंड फॉर्म। जी हाँ, अब गंगा ब्रह्मपुत्र पे बेसिन बहुत दूर, मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंशन है ना, एकदम दिल्ली उत्तर प्रदेश से लेकर आपका जाके आसाम के एंड तक एक्सटेंशन है। ठीक है। तो वैरिड लैंडफॉर्म मिलते हैं क्या ना बीच बीच में, है ना? तो इसलिए डिफरेंट रीजन में वेजिटेशन कवर भी जो है अलग अलग किस्म का होता है। ठीक है। कुछ कुछ रीजन में, प्लेन के रीजन में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट उगाए जाते हैं, जैसे टीक, साल, पीपल काफी ज्यादा कॉमन है। कहीं कहीं पे बैम्बू, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए काफी ज्यादा ब्रह्मपुत्र प्लेन में बैम्बू की खेती होती है, बहुत अच्छे अच्छे वेराइटीज के बैम्बू मिलते हैं। ठीक है। द डेल्टा एरिया इज ऑल्सो कवर्ड विथ मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब ये सुंदरबन वाला डेल्टा है ना एरिया, वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट का भी काफी ज्यादा मिलता है। कुछ कुछ पार्ट्स है जो कि उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक हायर एल्टीट्यूड रीजन में। ठीक है। तो कॉनिफरस ट्रीज में कौन कौन से कॉमन है बताइए, हमने क्या डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में? पाइन, देवदार, फिर, बिर्च। ठीक है। तो ये सब जो है काफी ज्यादा कॉमन है। ठीक है। क्यों भैया ये सब यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि क्लाइमेट यहाँ की बहुत ज्यादा कूल होती है। ठीक है। और स्लोप भी काफी ज्यादा स्टीप होता है, तो उस टाइप के रीजन में आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। देयर आर वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जी हाँ, वाइल्ड लाइफ भी काफी ज्यादा वैरायटी आपको इस बेसिन में मिलेगा। एलिफेंट, टाइगर्स, डियर्स, मंकीज काफी ज्यादा कॉमन है। वन हॉर्न राइनोज जो है ना वो आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन में बहुत ज्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं डिफरेंट अदर रीजन में नहीं, गंगा प्लेन में भी है, बट हाँ ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो है प्लेन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। इनफैक्ट अगर आप आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क चले जाइएगा तो वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ राइनोज है। ठीक है। बट वहीं पर एक पोबितुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वहां पर भी अच्छा खासा यू नो वन हॉर्न राइनो का पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है। इन द डेल्टा एरिया, डेल्टा एरिया में जब मतलब हम सुंदरबन रीजन का बात कर रहे हैं, वहां पे क्या क्या कॉमन है? बंगाल टाइगर। इनफैक्ट ये जो रॉयल बंगाल टाइगर्स है ना, सिर्फ दुनिया में एकमात्र डेल्टा रीजन में जो रहता है वो है सुंदरबन। ठीक है। सुंदरबन को छोड़कर और कोई भी दुनिया का डेल्टा रीजन आपको नहीं मिलेगा जहां पर आपको टाइगर्स मिलेंगे। ठीक है। सो रॉयल बंगाल टाइगर इज वेरी कॉमन है, क्रोकोडाइल्स आर वेरी कॉमन है, एलिगेटर्स आर वेरी कॉमन है, राइट? सो एक्वाटिक लाइफ बाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर एंड द लेक्स, द बे ऑफ बंगाल सी, मतलब यहाँ पे बहुत सारे एक्वाटिक लाइफ भी हम इनहेबिट करते हुए दिखते हैं। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी जो है, जो कि यहाँ पर जो फिशेस का मिलेंगे वो है रोहू फिश, कतला फिश, हिल्सा फिश। ठीक है। ये देखो कतला और हिल्सा, ये लेकिन बंगाली टर्म्स है, बट एनीवेज इसको हिंदी और इंग्लिश में भी जैसे कि आप बुक में ही देख रहे हो क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सो फिशेज एंड राइस जो है ना ये इस रीजन के बहुत ज़्यादा स्टेपल डाइट है। आप बांग्लादेश के लोगों को देख लो, वेस्ट बंगाल के लोगों को देख लो, है ना, दे डोंट प्रेफर यू नो रोटीज, है ना, दे मैक्सिमली प्रेफर चावल, सब समय चावल खाते हैं, ब्रेकफास्ट में भी चावल, दोपहर में भी, रात को भी चावल खाते हैं। ठीक है। सो ये बेसिकली लाइवलीहुड है जो क्या बन गया है, बहुत पहले से बनता है हुआ है। ठीक है। सो या सो दिस इज अबाउट इट गाइस। ये अगेन एक स्टोरी है विच इज नॉट ऑफ द आर इम्पॉर्टेंट, बट द मेन थिंग्स हैव ऑलरेडी बिन डिस्कवर्ड। हाँ, एक चीज जो हम यहाँ पे डिस्कवर ये करना चाहते हैं ये है डॉल्फिन के बारे में। ठीक है। एक ये गैंजेस रिवर डॉल्फिन है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है। ठीक है। यूजुअली फ्रेश वाटर रिवर सिस्टम में आपको मिलेगा, रिवर गंगा में, रिवर ब्रह्मपुत्र में भी मिलेगा ये आपको। ठीक है। एंड डॉल्फिन को लोकली सुसु भी कहते हैं। ठीक है।
सुसु मतलब ब्लाइंड डॉल्फिन भी इसको कहा जाता है। एक्चुअली सुसु इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि ये एक आवाज निकालती है, सू सू, समझ रहा है, इसीलिए इसको बट ये डॉल्फिन की संख्या भी बहुत ज्यादा घट रही है। क्यों? क्योंकि गंगा पॉल्यूट हो रहा है, गंगा पॉल्यूट हो रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है डायरेक्टली अनट्रीट करके गंगा में छोड़ दिया जाता है। आप खुद सोचो, आपको अगर पानी में अगर मैं कुछ गंदगी मिला दूं तो वो पानी अगर आप पियोगे तो आपका सेहत सही होगा? नहीं होगा ना। तो ये इनका इनका भी तो पानी डायरेक्ट घुसता है ना शरीर में, पीते हैं ना, तो इनका कैसे सही होंगे ये लोग? ठीक है, सो ये चीज हम लोग को पता मतलब समझना चाहिए। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैव सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज, बहुत सारे बड़े बड़े टाउन्स ले लो, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये बड़े बड़े शहर जो है ना गंगा के किनारे में ही सिचुएटेड है। ठीक है, द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर जो है वो डायरेक्टली इनको इसके ऊपर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके कारण पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा इस रीजन में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो है फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कवर किया गया है। ठीक है, एयरवेज, वाटरवेज, लैंड और आपका जाके रेलवेज। इन द प्लेन एरियाज रोडवेज और रेलवेज काफी ज्यादा कॉमन है। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए वाटरवेज वहीं पर ज्यादा हमें देखने को मिलता है, जहां पर यूजुअली जहां से नेशनल वाटरवेज गुजरती है। ठीक है, या फिर छोटे मोटे बोट्स जो छोटे मोटे नदियों के ऊपर भी चलते हैं। ठीक है, कोलकाता इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। टूरिज्म टूरिज्म की अगर बात करें तो इट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो क्या इस बेसिन में हमें देखने को मिलता है। ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, अलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना, जो है हमें ताजमहल भी देखने को मिलता है। बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टूपा देख लीजिए, वो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेंगे, बिहार में मिलेंगे, है ना। लखनऊ काफ़ी ज़्यादा फेमस है किसके लिए? इमाम बाड़ा के लिए, है ना, जिसको यू नो भूल भुलैया भी कहते हैं। अगर आपने गया नहीं गया तो ज़रूर जाइए, है ना। मैं एक बार गया था, मैं लिटरली आई वॉज नॉट गेटिंग द वे आउट ऑफ इट, राइट। तो बहुत ज़्यादा रोमांचक चीज़ है। असम विथ काजीरंगा, मानस विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड अरुणाचल प्रदेश विथ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ ऑफ विजिट। इनफैक्ट ये इस बुक से इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया गया दैट प्लीज डू विजिट इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइट। सो इसी के साथ दोस्तों ये क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। बट आपको जो मैं का क्वेश्चन रहेगा वो बिल्कुल बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, डायरेक्टली मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। देखो इतना इजी इजी क्वेश्चंस है, टूकन्स, मैनियोक, कहाँ का स्टेपल फूड है बताओ, मैंने बताया था ना, एक एग्जाम्पल लेके लेकिन मैंने बताया था, है ना। ये आपका काम है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स लिखोगे, राइट। मैच ऑफ द फॉलोइंग बहुत ईजी है, काजीरंगा बताओ कहाँ पर मिलता है ना, कहाँ पर है ना, कहाँ पर है तो ऑफकोर्स समझ जानते हैं आसाम में। ठीक है, सिल्क वर्म बताओ, मैंने बताया ना सिल्क वर्म के कल्चर को क्या कहते हैं, सेरी कल्चर। देखो आप दोनों बता दिया और बाकी सब खुद लिखो यार, सब कुछ मैं नहीं बताता, है ना। तो चलो, टू एंड थ्री इज योर होमवर्क, राइट, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, सो इसी के साथ ये लेसन मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। और कोई भी अगर लेसन देखना है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन सेशन में जो सो लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, जाइए और आराम से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।